हेलो एवरीवन, यूथ इंसवर्ल्ड डीएम के आप सबों का स्वागत करती है। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही डिलीशियस यमी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है और बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस लॉकडाउन में आप कम सामान से आप इसे घर में बना सकते बिना हैं। किसी परेशानी के बहुत ही आसान तरीके से आप मोमोज की रेसिपी बना सकते हैं, वो भी हेल्दी, जो कि सूजी से बनी हुई है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी स्वादिष्ट, कितनी यमी बनी हुई है, ये देखिए। और मोमोज की चटनी के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। मोमोज की चटनी की रेसिपी की वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप देख लें वहाँ जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने करीब 200 ग्राम बंद गोभी यानी कि पत्ती वाली गोभी ली हुई हूँ, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया और है। यहाँ पे मैंने दो गाजर लिया हुआ, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया। और एक दो मिर्चा मैंने हरा मिर्च लिया हुआ, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये है लहसुन, 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन को और अदरक को कद्दूकस कर लिया। और एक प्याज मैंने यहाँ लिया, 1 से 1.5 प्याज आपको ले लेना है। और धनिया पत्ता ज़रा सा लेना है, और ज़रा सा 1 चम्मच मैंने यहाँ नींबू का रस लिया हुआ है। और यहाँ पे अब मैंने शिमला मिर्च की सब्जी को कट किया हुआ, 1 शिमला मिर्च को मैंने यहाँ अब काटा यहाँ है। पे मैंने पैन गरम किया हुआ है, पैन में मैं यहाँ 2 कप पानी ले रही हूँ। और 2 कप पानी लेने के बाद मैं यहाँ स्वाद अनुसार ज़रा सा आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया है। और 1 कप सूजी यहाँ लेना है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। और अब क्या करना है, इसे अच्छे से हमें चलाते हुए इसका एक बहुत ही स्मूथ डो रेडी करनी है, सॉफ्ट डो। तो ये देखिए, इसे अच्छे से आप चलाते जाएँ और आप देखेंगे थोड़ा देरी में ही ये सारा पानी को अब्जॉर्ब कर लिया गया है और बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी हो जाती है इससे। ये देखिए, सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा डो रेडी होता है। तो अब ये सूजी की डो रेडी है। मैंने एक अलग से बर्तन में मैंने इसे बड़ा सा कढ़ाई कटौती या बड़ा सा बाउल में आपको ले लेना है, मैंने यह बड़ा सा बाउल में ले लिया है। अब मैं यहाँ पर ज़रा सा 1 चम्मच यहाँ पर तेल डाली हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से हाथ से मिला लें। आपको यदि गर्म ज़्यादा लगेगी तो आप किसी भी स्पैचुला के हेल्प से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये हल्का सा ठंडा हो चुके हैं, तो मैं इसे हाथ से अच्छे से मिला के मैं इसे ढक के रख इसे दे रही हूँ। आपको करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाए और जितना फूलना है वो फूल जाए। तो अब मैं इसका चलिए स्टफिंग रेडी करती हूँ, जो मोमोज़ के अंदर भरी जाती है ना वो। तो मैंने यहाँ पैन फिर से चढ़ा दिया और उसमें करीब 2-3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। और यहाँ पे जो मिर्च, हरी मिर्च मैंने लिया हुआ था, वो मैं इसमें डाल ले रही हूँ। यहाँ मैंने करी पत्ता डाल दिया और यहाँ अदरक और लहसुन को मैंने जो कद्दूकस करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल के हल्का सा मैं चला ले रही हूँ इसे। फ्लेम को आप लो में ही रखिएगा फ्रेंड, तो बहुत अच्छी मीडियम फ्लेम में बनेगी, लो फ्लेम में। अब मैं यहाँ पे जो 1 से 1.5 प्याज कट करके रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और साथ ही मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला अभी, और यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिया, शिमला मिर्च, और यहाँ गाजर, और अब ये बंद गोभी, ये सारे को लेके एक साथ मिला लेना है। अब इसे मिला के अब मैं यहाँ पे ज़रा सा नमक स्वाद अनुसार मैं इसमें डालूँगी। तो करीब 1/2 चम्मच मैंने नमक ले लिया और नमक को इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब ये नींबू, नींबू 1 नींबू का रस और धनिया पत्ता मैंने डाल दिया इसमें। और अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिला लेना है। और बस अब फ्लेम को हमें बंद कर देनी है। अब ये रेडी हो चुकी है। इसे आपको ध्यान रखनी होगी कि इसे पकाना नहीं है हमें, इसे बस हल्का सा फ्राई करके निकाल देना है। मोमोज वाली स्टफिंग हमारी ये रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे साइड रखती हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो जो सूजी का मैंने जो यहाँ पे डो रेडी किया हुआ था, वो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका एक बड़ा सा बॉल मैं बना के साइड रख ले रही हूँ। अब क्या करना है, इसका छोटी छोटी बॉल्स बना के जितनी साइज़ की आपको मोमोज चाहिए आप ले लें। और ये देखिए, इससे बड़ी ना लें, नहीं तो फिर बहुत ही बड़ी मोमोज हो जाएगी। तो आपको मीडियम साइज़ की रखनी है बॉल को, और उसके बाद इसमें स्टफिंग को भरते जाइए। देखिए किस तरह से मैं भर रही हूँ, बस इस तरह से बांधते हुए आपको मोमोज़ को रेडी कर देना है। एक और मैं आपको बता रही हूँ करके, इस तरह से इसकी पूरियाँ बेल लें और स्टफिंग को बीच में रख दें। और देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए एक एक करके
आराम से हल्के हाथों से फोल्ड करते जाइए, बहुत ही आसान है। और बस इसे चिपका दीजिए सारे लेके, आधा को फोल्ड करना, आधा को यूं ही चिपका देना। तो देखिए कितनी मस्त बन गई, कितनी खूबसूरत हमारी मोमोज ये बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। तो मैंने सभी मोमोज को तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये इडली स्टैंड है, मैंने इस इडली स्टैंड में बनाया। आपके पास स्टीमर है तो आप ले सकते हैं। इडली स्टैंड में मैंने ज़रा सा पानी ले लिया, करीब आधा ग्लास, और उसे गर्म कर लिया है। और ऊपर से इस तरह से अगर कुछ चाली वाला है तो उसे आप रख लें, नहीं तो आप इडली स्टैंड में भी, सारे इडली स्टैंड में आप डाल डाल के इसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ही बनाया, ये देखिए मैंने दोनों तरीक़ा से मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए इडली स्टैंड में भी मैंने रख दिया, और ये ऊपर से ये जो जाली वाली बर्तन है हमारी उसमें भी रख के मैं इसे ढक दे रही हूँ। और बस 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही टेस्टी मोमोज रेडी हो जाती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी मोमोज रेडी हुई है, ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये सर्व मैं कर रही हूँ इसे मोमोज चटनी के साथ में। मोमोज़ की चटनी का वीडियो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ जाके देख लें वहाँ पे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत टेस्टी मोमोज़ हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी जाएं बनाएं, और हेल्दी नाश्ता, सूजी का नाश्ता, सूजी से बना हुआ हेल्दी मोमोज़ की रेसिपी आप अपने फैमिली को खिलाइए। मुझे विश्वास है आप सबों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाऊँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ अपना कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।